जय जिनेन बंधुओं, मैं संजय जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष विश्व जैन संगठन। बंधुओं, जैसे कि आपको विदित है, पूरे देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है और एक प्रश्न पूरे समाज को बहुत ही पीड़ित कर रहा है कि हमारे जैन समाज से कितने लोग इस लोकसभा चुनाव में खड़े हैं और किस पार्टी ने इसको टिकट दिया है। बंधुओं, जिस देश में जैन राजा ऋषभदेव हुए, भरत चक्रवर्ती हुए, राजा खारवेल हुए और अंतिम तीर्थंकर भगवान महावीर अपने ग्रस्त अवस्था में वर्धमान राजकुमार के नाम से वर्धमान राजकुमार के रूप में न्याय करते थे। हमारे तीर्थंकर राजा हुए, हमारे खून के अंदर देश को चलाने की क्षमता है बंधुओं, लेकिन हमें राजनीति में पीछे कर दिया जाता है, यह बिल्कुल भी स्वीकार नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य का जो राज्याभिषेक हुआ था वो जैन पद से हुआ था। लोग हमें व्यापारी समझते हैं, लेकिन बंधुओं, हम व्यापारी भी हैं और हम राजनीति करना भी जानते हैं, लेकिन ऐसी कोई राजनीति नहीं करना चाहते या करेंगे जिसके अंदर हम असमान भाव से या किसी के प्रति द्वेष भाव रखकर राजनीति करेंगे। बंधुओं, हमें टिकट ना मिलना बहुत दुखद है। मैं विनती करता हूं, जहां भी जैन या हमारे जैन समाज का कोई व्यक्ति खड़ा हो, जैन प्रतिनिधि खड़ा हो, आप उसको जिताएं और लोकसभा के अंदर भेजें, ताकि हमें आने वाले समय में अपने धर्म, तीर्थ, संत और समाज के संरक्षण के लिए अन्य किसी के पास न जाना पड़े, हमारी बात समसामयिक बात लोकसभा राज्यसभा के अंदर उठे। गत 10 वर्षों में हमारा एक भी प्रतिनिधि न केंद्र सरकार के अंदर रहा और न उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रहा। यह बहुत ही दुखद और चिंतनीय है। मैं यहां पर आंकड़े नहीं देना चाहूंगा, लेकिन जिस प्रकार से देश की आजादी से पूर्व से लेकर आज तक जैन समाज ने इस देश की तरक्की को बढ़ाने के लिए, जीडीपी बढ़ाने के लिए अपना सदैव योगदान दिया। भारत का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा 94% पढ़ा लिखा जैन समाज वो राजनीति में पीछे कर दिया जाता है। राजनीतिक पार्टियां आज अपने पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के अंदर भी जैन समाज को लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या अब सत्ता का जवाब सत्ता से दिया जाना बेहतर रहेगा? क्या जैन समाज को सोचना पड़ेगा आने वाले भविष्य में अपनी राजनीतिक पार्टी का गठन करना होगा जिसके अंदर जैन समाज अपने प्रभुत्व रखेगा? क्या यही हमारी राजनीति चाहती है? अगर ऐसी चाहती है तो आने वाले भविष्य में यह भी हम साकार करके रहेंगे। लेकिन जैन समाज कभी ऐसा कोई काम नहीं करेगा किसी भी व्यक्ति को छोड़कर साथ लेकर चलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं पुनः राजनीति में अपने जैन बंधुओं को निवेदन करूंगा कि कृपया आगे आए और राजनीति से अधिक संख्या में जुड़े, ताकि हम अपनी बात को इस पूरे देश, इन्हें पूरे विश्व में पहुंचा सकें। जय जिनेन्द्र।